नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना में दो उम्मीदवारों के बीच चुनावी मुकाबला इतना दिलचस्प रहा कि जो पहले जीता वह हार गया और जो हारा वह जीत गया। रीकाउंटिंग ने ऐसा गेम पलटा कि जीतने वाले कैंडिडेट पूरे देश में सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार बन गया है। जी हां, मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना के नेता रविंदर दत्ताराम वायकर जीत गए हैं। उन्होंने शिवसेना के उम्मीदवार अमोल गजानन कीर्तिकर को हराया है और इस हार जीत का अंतर सिर्फ 48 वोटों का रहा। अमोल कीर्तिकर को 4,52,596 वोट और रविंदर वायकर को 4,52,644 वोट मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई की 6 लोकसभा सीटों में से एक उत्तर पश्चिम सीट पर शिवसेना के दोनों गुटों के उम्मीदवार आमने सामने थे। मतगणना के दौरान अमोल कीर्तिकर और रविंदर वायकर के बीच हार जीत का मार्जिन सिर्फ 1 वोट का रह गया था। 26 राउंड की काउंटिंग हो चुकी थी, विवाद होने पर रीकाउंटिंग की गई थी। वहीं इनवैलिड पोस्टल बैलेट की वेरिफिकेशन की गई, जिसमें फैसला रविंदर वायकर के पक्ष में आया। उन्होंने अमोल कीर्तिकर को 48 वोटों से हरा दिया। पहले अमोल 681 वोटों से जीत गए थे, लेकिन रविंदर ने अमोल की जीत का विरोध किया और रीकाउंटिंग की मांग की, जिसमें रविंदर 75 वोटों की बढ़त बनाए गए। इस पर अमोल ने आपत्ति जताई तो पोस्टल बैलेट काउंट किए गए। दिलचस्प रीकाउंटिंग के बाद रविंदर को विजेता घोषित कर दिया गया था। इसलिए ये मुकाबला बेहद रोमांचित मुकाबला रहा है। जो पहले जीत गया था वो हार गया है, जो हार गया था वो जीत गया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से।